बहुत साल पहले मिडास नाम का एक बादशाह था। वो इस जमीन का सबसे दौलतमंद आदमी था, मगर वो और भी ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता था। 1,40,25,30,372। वो सोने से बहुत मोहब्बत करता था। सच तो ये है कि सोने को वो अपनी शहजादी मैरी गोल्ड से भी ज्यादा मोहब्बत करता था। अपनी शहजादी का नाम उसने इस खूबसूरत फूल के नाम पर रखा था। मैरी गोल्ड एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी। वो अपनी वालिद की मोहब्बत के लिए तरसती रहती थी। एक रोज उसने खुदा से दुआ की और अपने वालिद के तकब्बुर की शिकायत की। खुदा ने उसके वालिद को सबक सिखाने की ठानी और बादशाह के सामने अपने फरिश्ते को भेजा। कौन है आप? तुम खुश रहो इसलिए मैं तुम्हें काफी सारा सोना दे सकता हूँ। काफी सारा सोना? कोई इतना खुश नसीब नहीं कि उसे इतना सारा सोना मिले। कैसा रहेगा अगर तुम दुनिया में सबको सोना तकसीम करते रहो और उसके बाद भी तुम दौलतमंद इंसान बने रहो? तकसीम करूं तो इसके बाद मैं कैसे दौलतमंद बना रहूंगा? तुम्हारे दिल को किस चीज से तसल्ली मिलेगी? हाँ, है एक ऐसी चीज जिससे मुझे तसल्ली मिलेगी। तो क्या है वो? मैं जिस चीज को छू वो चीज सोने में तब्दील हो जाएगी। खुदाई फरिश्ता अपना हाथ बादशाह की पेशानी पर रखकर कहते हैं, राजा मिदास, तुम्हारा दिल तो मुफलिसी का मारा है। मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम्हें लामहदूद खजाना मिले। खुदाई फरिश्ता अपनी उंगलियों को हवा में लहराते हैं और गायब हो जाते हैं। शायद ये ख्वाब था, मैं इस कमरे में बहुत देर से हूँ। सोने की अशरफियों के ढेर पर लड़खड़ाते हुए बादशाह अपने खजाने वाले कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ लगाता है, पूरा दरवाजा सोने में तब्दील हो जाता है। सोना? ये तो सोने में तब्दील हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक उसका हाथ दीवार पर लग जाता है और वो दीवार भी सोने की हो जाती है। सोना, ये भी सोना बन गया। मिडास अपने महल में दौड़ता हुआ जो भी चीज उसे दिखती उन सभी चीजों को छूने लगा। खुशी में डूबा वो जोर जोर से हाँफता हुआ अपनी शहजादी बेटी के कमरे में पहुँचा। मैरी गोल्ड अपने वालिद को देखती है। अब्बा हुजूर, मेरे ये हसीन खूबसूरत गुलाबों को देखिए, ये कितने लाल है ना, और इनकी महक भी कितनी खुशबूदार है। मिडास अपनी बेटी की बातों को बीच में काट कर कहता है, मैरी गोल्ड, मैरी गोल्ड, मैं तुम्हें एक मौजजा दिखाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फूल खूबसूरत है तो रुको, मैं तुम्हें एक मौजजा दिखाता हूँ। बादशाह गुलाब के फूलों के गुच्छे को छूता है और वो फौरन सोने में तब्दील हो जाते हैं। अबाजान, आपने ये क्या किया? ये फूल कितने बेरंग हो गए हैं, इनका असल रंग गायब हो गया है और अब इनसे बदबू आ रही है और इनकी पत्तियाँ कितनी सख्त हो गई है। लेकिन इनकी कीमत अभी बढ़ चुकी है। मेरे सारे गुलाब बर्बाद हो गए, बराए मेहरबानी आप बाकी गुलाबों को हाथ न लगाएं। वो जैसे हैं मुझे वैसे ही पसंद है। अपनी बेटी की बातों को अनसुना करते हुए बादशाह मिडास बगीचे में दौड़ता हुआ मैरी गोल्ड के पूरे बगीचे को सोने का बना देता है। मैं इस नई ताकत को हासिल करने की खुशी में दावत देना चाहता हूँ। तो क्या मुल्क के सारे इज्जतदार लोगों को न्योता दिया जाए? बेशक दिया जाए। उस रात रियासत के सभी इज्जतदार मर्द औरत बादशाह मिडास की महफिल में तशरीफ लाए। किसी को कुछ पता नहीं था कि वो लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। सभी मेहमान आपस में बातचीत कर तरह तरह की अटखेलियाँ लगा रहे थे। तभी बादशाह मिडास ने कहा, जी हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मुझे अपने मिट्टी का बर्तन दीजिए। जैसे ही बादशाह ने उस बर्तन को छुआ, वो बर्तन सोने का हो गया। वहां खड़े मेहमानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बादशाह मिडास ने सब लोगों की आंखों के सामने तमाम बर्तनों को सोने में तब्दील कर दिया और सबको हैरान कर दिया। बादशाह अपने इस नए करिश्मे का मुजाहिरा करता रहा जब तक सब कुछ सोने का नहीं हो गया। थका हारा और भूखा प्यासा बादशाह अपने ग्लास में जाम भरकर जैसे ही लोबों पर लगाने लगा, जाम भी सोने का बन जाता है। उसका चेहरा फीका और लाल पड़ जाता है। वो अपने कांपते कांपते हाथों से जब रोटी उठाता है तो सारी की सारी रोटियां उसकी उंगली पड़ते ही सोने की बन जाती हैं। शहजादी मैरी गोल्ड अपने वालिद के चेहरे पर खौफ के असरात देखती है। क्या हुआ अब्बा जान?
मैरीगोल्ड दौड़ती हुई अपने वालिद की जानिब जाती है। इससे पहले कि बादशाह उसे रोकता, वह अपने वालिद की बाहों में लिपट जाती है। पर ये क्या? नहीं, मैं कितना गलत था। ये मौजजा तो बद्दुआ है। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर। बादशाह की लाचारी और पुकार सुनकर आखिरकार वही खुदाई फरिश्ता दोबारा नाजिल होता है। तुम पर रहम करूं तो तुम अपने में क्या तब्दीली लाओगे? तो मैं अपना खजाना खोलकर गरीबों में तकसीम कर दूंगा, ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिले और मैं खाना नोश कर सकूं। यही वो बातें हैं जो मेरे लिए दौलत से भी ज्यादा मायने रखती हैं। लगता है तुम पहले जैसे बनने के लिए सबक सीख चुके हो। तो मेरे साथ चलो और नदी में डुबकी लगाओ, जो बगीचे के पास ही है। जैसे ही बादशाह ने नदी में पैर रखा, उसके बदन से चिपके हुए सोने के जर्रात धूल बनकर नदी की रेत में मिल जाते हैं। बादशाह अपनी महल की जानिब वापस दौड़ता है और देखता है कि बाग के गुलाब फिर से पहले की तरह लाल हो चुके हैं और उनकी खुशबू भी वापस लौट आई है। मैरीगोल्ड! मैरीगोल्ड अपने वालिद की जानिब दौड़ती है और उनके गले लग जाती है। उसने खुदा से जिस चीज की दुआ की थी, वो आखिरकार उसे मिल गई, वालिद की मोहब्बत।